यो इट इज गोइंग ऑन गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल टू ब्रांड न्यू डे। यार ये नए अपडेट को लेकर देर आर लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस एंड देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड एंड आई थिंक आपके भी माइंड में होगा, बिकॉज देर इज ओनली 7 डेज फॉर एमएम यमी रे टू गो अवे एंड अलॉन्ग विद दैट गोगन ही टू कम, क्योंकि गोगन ही इज कन्फर्म्ड टू कम ऑन द 100th डे सेलिब्रेशन इवेंट। तो 100th डे सेलिब्रेशन इवेंट 7 डेज में होगा, आज उसकी लाइव स्ट्रीम है दोपहर में, सो मेक श्योर टू ज्वाइन दैट। आई विल प्रोबेबली बी लाइव एट दैट टाइम एज वेल, तो मेक श्योर टू ज्वाइन अस एंड वी विल रिएक्ट ऑन द कोरियन लाइव स्ट्रीम, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट नॉट टू मैंशन हैंड सेमी भी आने वाली है। अब हमें कैसे पता हैंड सेमी आने वाली, बिकॉज शी हैज़ ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड इन द समर वेकेशन इवेंट। भाई उसका यहाँ पर फोटो क्यों है इफ शी इज नॉट बींग एडेड हियर, तो डेफिनेटली वो भी आएगी। तो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम दैट वी आर गोना गेट टू SSR इन द सेम एग्जैक्ट बैनर, या फिर दो अलग अलग बैनर फॉर अ न्यू कैरेक्टर एट द सेम टाइम। नाउ दैट इज प्रोबेबली गोना बी अ बिट वियर्ड, तो मुझे क्या लग रहा है क्या होगा, आई एम गोना गेस, जस्ट आई एम गोना गो वाइल्ड हियर विथ माई गेस्ट। मुझे लग रहा हैंड सेमी और गोगनी में से कोई एक स्टैंडर्ड बैनर में एड होगा एज अ कैरेक्टर, और एक का रेटअप बैनर आएगा। नाउ दैट इज जस्ट अ वाइल्ड क्रेजी गेस, ठीक है। मुझे लग रहा है हैंड सेमी जाएगी स्टैंडर्ड बैनर में एंड गोगन ही आएगा रेटअप बैनर में, दैट इज जस्ट माई गेस, और ये एक बहुत ही वाइल्ड गेस है। मुझे लग रहा है यहाँ पर आ जाएगा गोगन ही का बैनर बिकॉज ही इज द स्पेशल कैरेक्टर, एंड या कस्टम ड्रॉ बैनर में हैंड सेमी को डाल दिया जाएगा यहाँ पर। तो दैट इज जस्ट अ ऑसम वाइल्ड गेस, क्योंकि भाई देखो, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, हैंड सेमी का रोल क्या है, अ विंड सपोर्ट। वी ऑलरेडी हैव प्लेंटी सपोर्ट, मेलिन है, बिन ब्यूंग है, तो उसका डेडिकेटेड बैनर का कोई सेंस नहीं बनता है। अलॉन्ग विद दैट ली बोरा जो कि उसी की काइंड ऑफ कोलीग है इन द अल्टीमेट हंटर्स गिल्ड, तो वहाँ पर हैंड सेमी उसी के पोजिशन में थी काइंड ऑफ, राइट। इन द मानवा वी ऑल्सो सॉ साउ के लिए भी सेम केस है, सीओ जीवू, दे डिडंट गेट देयर ओन बैनर, सो वाई द हैक वुड हैंड सेमी गेट हर ओन बैनर, राइट। तो मुझे लग रहा है हैंड सेमी को यहाँ पर स्टैंडर्ड बैनर में डाला जाएगा, बट दैट इज जस्ट अ वेरी वाइल्ड गेस। साथ ही साथ हमें संग जिनबू का एक लाइट वेपन देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि हर अल्टरनेट बैनर एक वेपन लेकर आता है, तो लास्ट बैनर पे हमें वेपन नहीं मिला विंड वाले एलिमेंट के साथ, उसके पहले हमें मिला था फायर वेपन यो सोह्यून के साथ, राइट, फीनिक्स सोल। सो अब इस बारी है लाइट की, क्योंकि लाइट में मेन कैरेक्टर हमारा आ रहा है गोगन ही, तो उसके साथ हमें एक मिलना चाहिए। एंड ऑल्सो टू मैंशन यहाँ पे रेटअप पे दो चीज़ आएंगी, एक नया वेपन और हैंड सेमी, ठीक है, और यहाँ पर आएगा गोगन ही, दैट इज माई गेस। आपको क्या लगता है ऐसा होगा, लेट मी नो कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। तो उसके अलावा चलिए चलते हैं, लेट्स गो ओवर टू ट्विटर, ठीक है। ट्विटर पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ट्विटर पे कुछ बहुत ही खास खबर है, नो नॉट दिस, बट या जीना भी है, तो जीना को भी ऐड करेंगे, तो मेरे को लग रहा है स्टैंडर्ड बैनर में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट गोगन ही होने वाला है लाइट फाइटर, और उसके एबिलिटी टाइप है एक्सीलेंट फिजिकल एबिलिटी एंड टेलीकिनेसिस, सो ही इज नॉट गोना बी अ ब्रेकर, ठीक है, ब्रेकर नहीं होने वाला है। लाइट टाइप में डीपीएस आएगा, फाइटर टैग दिया है गोगनी को, विच ऑब्वियसली वी ऑलरेडी न्यू ये फाइटर टैग में आएगा, एंड वी कैन नॉट जज फ्रॉम एनी ऑफ दिस कि उसका क्या एबिलिटी है कुछ, बट वी कैन सी हिम हियर इन द गेम, ठीक है। वी कैन सी गोगनी लाइट फाइटर SSR, ठीक है, एंड उसका कोई कॉस्ट्यूम नहीं आ रहा है, यू कैन सी हियर, उसका कोई यूनिफॉर्म नहीं आ रहा है, ठीक है, सो ही इज नॉट गोना गेट एनी कॉस्ट्यूम व्हाटसो एवर। वो पहला कैरेक्टर होगा प्रॉबली रेटअप बैनर में, नहीं आई थिंक कॉस्ट्यूम जिन्होंने नया ही इंट्रोड्यूस किया, सब फीमेल कैरेक्टर्स के लिए कॉस्ट्यूम आ रहे हैं, मेल कैरेक्टर्स के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है। सो या अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर ये फ्यूचर के कोई कैरेक्टर है उसका लीक है, ठीक है, हंटर कनेई तवाता, एंड आई थिंक शी इज प्रोबेबली द कैरेक्टर जो कि उसके सपने में आती है एमएम यमी रे के, जो उसे बचाई थी एक बार पास्ट में। आई एम जस्ट गोइंग ऑफ वाइल्ड हियर, ठीक है, एमएम यमी रे का यहाँ पर है, बट वी हैव हैंड सेमी समवेयर हियर, ठीक है, ओके। तो हेयर वी गो, देयर इज हैंड सेमी विंड सपोर्ट, ठीक है। अब हैंड सेमी को देखेंगे तो ये भी एक SSR है, तो भाई एक साथ दो SSR तो आ नहीं सकते, बट लाना तो है, तो दैट इज वाई। एंड आप बालों से देख सकते हो, जजिंग बाय द हेयर, दिस इज द कैरेक्टर जो हमें अपने समर इवेंट में देखने को मिल रही है। ये एक सपोर्ट है, विंड टाइप है, MP और HP बढ़ाने में हेल्प करती है, तो देयर इज नथिंग दैट क्रेजी अबाउट हर, किसका अपना एक डेडिकेटेड बैनर आना चाहिए, तो फॉर दैट रीजन मेरा कहना है कि इसको अलग से मतलब नहीं मिलेगा बैनर। एंड वी कैन ऑलरेडी सी शी हैज अ कॉस्ट्यूम ओवर हियर, राइट, तो इसका कॉस्ट्यूम है, सो या वी कैन गो ऑफ बाय दिस एंड से गोगन ही को नहीं बनाना है। भाई इसका रेंज बहुत ही ज़्यादा वाइड है, बहुत ही बड़े रेंज में ये बनाती है अपना सर्कल,
अल्टीमेट स्किल है प्रॉबेबली इसका, जो कि एमपी बढ़ाएगा आपके टीममेट्स का जो इसके अंदर है, और एचपी बढ़ाएगा जो आपके टीममेट इस रिंग के अंदर है. सो दैट इज जस्ट अमेजिंग. ठीक है, दैट इज अमेजिंग. एंड वी कैन सी हर कॉस्ट्यूम हियर एज वेल. तो कॉस्ट्यूम का भी काइंड ऑफ एक लीक है, सो वी ऑलरेडी न्यू दिस वॉज कमिंग. ओके, सो या दीज आर द लीक्स दैट वी हैव फॉर नाउ. एंड रिगार्डिंग द अपडेट, वेपन के बारे में बोला नहीं अल्फा लीकर ने. अगर वेपन आ रहा होता है, गेस ही वुड हैव सेड दैट. तो मेरा गेस भी है कि हो सकता है वेपन ना भी आ रहा हो. दैट इज जस्ट समथिंग दैट आई वुड गेस बेस्ड ऑफ दिस. सो या गोगा नहीं आ रहा है एंड हैंड सेमी आ रही है, तो हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल. तो प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक चीज़, फार्म एज मच एसेंस स्टोन एज पॉसिबल. अब आप एसेंस स्टोन कैसे फार्म करोगे, लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ. सबसे पहले हंटर्स आर्काइव का आपका जो भी स्टोरी बचा हुआ है सबको कंप्लीट करो, कंप्लीट ऑल ऑफ दीज आउट. ठीक है, इससे अच्छे खासे आपको एसेंस स्टोन मिलेंगे. एंड उसके बाद आप जाकर अपने बैटल फील्ड ऑफ ट्रायल जरूर खेलना. आई विल बी डूइंग दीज नाउ. ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम से होल्ड ऑन करके रखा है. दीज आर ऑल्सो कमिंग टू एन एंड 7 days 17 hours में. सो प्ले दैम एज फास्ट एज पॉसिबल. उसके बाद अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ, देन गो टू स्टोरी एंड स्टोरी को पूरा क्लियर करो. लाइक गेट ऑल 3 trophies ऑन एवरी सिंगल मिशन. ठीक है, एवरी सिंगल मिशन गेट द 3 trophies. मेरा यहाँ पे सिर्फ ये 2 बाकी है, ये मैं करूँगा. एंड देन हार्ड मोड पे भी ट्राई टू डू द सेम. ठीक है, जितने ज़्यादा ट्रॉफीज होंगे उतने ज़्यादा एसेंस स्टोन 15-15 करके इट एड्स अप, इट बिल्ड्स अप टू अ मैसिव नंबर. रिवर्स मोड में अगर आपने कुछ चैप्टर क्लियर नहीं करे, गो अहेड एंड डू दैट. आई विल बी होल्डिंग ऑन दिस एज वेल. तो ये भी मैं जल्दी करूँगा. यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैक्सिमम ट्रॉफीज बहुत सारे में नहीं किए हुए, तो वो मैक्स ट्रॉफीज के लिए भी हम जाने वाले. वी आर गोना गो डू दिस एंड वी आर गोना फार्म अ लॉट ऑफ एसेंस स्टोन फॉर गोगा नी. सो गोगा नी को निकालने के लिए एक वन ऑफ द स्ट्रैट्स हो सकता है. देन ऑल्सो देर इज सम शॉप्स. तो शॉप में जाकर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रियल मनी, रियल मनी से तो ऑब्वियसली आप कुछ भी खरीद सकते हो. देन कमिंग ओवर हियर, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये कमेमोरेटिव टोकन है जो प्लैटिनम वाले, इनसे मैं टिकट्स ले लेता हूँ. अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो रेट अप पहले लेना प्रायोरिटी करके. नेक्स्ट अप आप आ सकते हो यहाँ पर समर वेकेशन एक्सचेंज, नहीं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आ सकते हो बैटल फील्ड ऑफ टाइम एक्सचेंज. और यहाँ पर भी रेट अप ड्रॉ टिकट है 5-5, ये दोनों ले लेना आपको 10 के 10 tickets. देर इज नथिंग टू मिस हियर. उसके अलावा समर इवेंट भी डेली खेलो, गेट दीज टिकट्स एज वेल. ये जो फ्री के आपको टिकट्स मिल रहे हैं ये रोज आपको खेलना है और रोज कलेक्ट करना है. डो नॉट मिस दिस. 7 days और है तो 14 tickets आपको कम से कम यहाँ से मिल जाएंगे, विच इज गोना एड अप फॉर हैंड सेमी प्रॉबेबली अगर वो रेट अप बैनर पर आएगी तो. अलॉन्ग विद दैट देर आर गोना बी अ लॉट ऑफ इवेंट्स एज वेल. ठीक है, यहाँ पर जो इवेंट्स चल रहे हैं इन पर भी सभी चीज़ों पे पार्टिसिपेट करो, गेट एवरी रिवॉर्ड्स पॉसिबल हियर. नॉट दैट यहाँ पर कोई टिकट्स वगैरह है, बट या तो इन तरीके से आप फार्म कर सकते हो. यू कैन गो अबाउट डूइंग दीज एंड सेविंग अप एसेंस स्टोन लाइक क्रेजी. एंड या छोटे मोटे चीज़ें हैं बट दीज एड्स अप. ठीक है, तो या विद दैट एंड दिस वीडियो हियर. व्हाट आर थॉट्स एंड ओपिनियन, लेट मी नो कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. एंड अगर चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन. अंटिल देन पीस आउट, टेक केयर, अराइज. एंड या इफ यू आर नॉट सपोर्टिंग अस इन द क्रिएटर प्रोग्राम, गो अहेड एंड सपोर्ट अस फॉर 1000 एसेंस स्टोन रिडीम कोड. सो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में. बाय, टेक केयर.